सुल्तानपुर अंतिम चरण में पहुंचा सुल्तानपुर का ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव। मां दुर्गा को अंतिम विदाई का आया समय। मंत्रोच्चारण के बीच हवन पूजन, विसर्जन यात्रा की तैयारी। सुल्तानपुर जिले में 48 घंटे तक चलेगी विसर्जन यात्रा। चपे चपे पर होगी पुलिस। कड़ी सुरक्षा के बीच सीताकुंड घाट पर होगा देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन। सुल्तानपुर जिला मुख्यालय की सीमाओं पर पुलिस का कड़ा पहरा। विसर्जन के मद्देनजर चार पहिया वाहनों के आवागमन पर लगी रोक। विसर्जन का अंतिम चरण चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? माताओं के पूजा पाठ के बाद कल जो है दुर्गा होती के एक प्रत्येक पंडाल तो आज समस्त माताओं की विसर्जन शोभा यात्रा अभी कचेरी बाजार से प्रारंभ हो और नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सीताकुंड घाट की तरफ प्रस्थान करेगी। सीताकुंड घाट के जो सब विसर्जन क्योंकि इतना दिन माताओं सारी माताओं का पूजन किया गया है। विसर्जन के समय में सारे जितने श्रद्धालु हैं सब माताओं को विदा करेंगे कि अगले वर्ष पुनः उसी प्रकार से उनकी विदाई हो, सारी माताओं का आगमन हो, आगमन होगा उसी हिसाब से। तो लेकर क्या तैयारी आपकी तरफ से? देखिए, दुर्गा पूजा जो जनपद सुल्तानपुर का है ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ी दुर्गा पूजा, इसको बहुत ही पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये सुल्तानपुर का गौरव की बात है और इसमें मुख्य रूप से मैंने इसको मेरे हायर स्तर के अधिकारियों में दो जोन, चार सेक्टर और 12 सेक्टरों में इस नगर की सुरक्षा व्यवस्था जिस रूप से बांटा गया है और 20-20 मूर्तियों पर एक सेक्टर पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। मार्ग व्यवस्था के लिए अलग से पुलिस बल की ड्यूटी है। सुरक्षा बल प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक रोड पर लगे हुए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से ही दुर्गा प्रतिमा विसर्जन सबको सम्पन्न कराया गया है। क्या अलग से कुछ फोर्स मंगाई गई? अलग जोन स्तर पर, अंतर जनपदीय स्तर पर जोन के बाहर से भी हमको पुलिस बल प्राप्त हुए हैं और काफ़ी संख्या में पुलिस बल है और अर्धसैनिक बल, रिमोट आरक्षी काफ़ी संख्या में अपने ये विसर्जन ड्यूटी में बल प्राप्त है और सभी लोग ड्यूटी में लगे हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचे।